कहानी की शुरुआत एंड्रयू नाम के एक लड़के से होती है जो अपने शराबी पिता रिचर्ड और बीमार माँ के साथ सिएटल शहर में रहता था। एंड्रयू बहुत ही ज्यादा शांत और शरीफ किस्म का लड़का था, जिस वजह से स्कूल में अक्सर उसे काफी परेशान किया जाता और साथ ही उसके कजन मेट के अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं था। इधर रिचर्ड भी अक्सर एंड्रयू को बेवजह पीटता था, जिससे परेशान होकर एंड्रयू ने एक कैमरा खरीद कर उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। स्कूल से वापस आते वक्त मेट ने उसे एक पार्टी में साथ चलने के लिए पूछा, जिसके लिए एंड्रयू पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर मेट के बार बार बोलने पर वो आखिरकार मान ही गया। इसके बाद वो मेट के साथ पार्टी में तो गया, पर वहाँ पहुँचते ही मेट ने उसे अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद अपना टाइम पास करने के लिए एंड्रयू ने पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और तभी उसकी नज़र केसी नाम की एक व्लॉगर पर पड़ी, जो ठीक उसी की तरह पार्टी को रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से उन दोनों में तुरंत ही बातचीत शुरू हो गई, पर तभी मेट वहां आकर केसी को अपने साथ ले गया, जिसके बाद एंड्रयू ने फिर से पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पर इस बार एक आदमी को लगा कि शायद एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना रहा है, और इस बात से गुस्सा होकर वो एंड्रयू को गालियां निकालने लगा, जिसके बाद एंड्रयू गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चला गया। अभी वो पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस ही रहा था कि तभी स्कूल का सबसे फेमस लड़का स्टीव उससे मिलने के लिए आया, और वो चाहता था कि एंड्रयू उसके और मेट के साथ कैमरा लेकर एक खुफिया जगह पर चले, जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढूंढा था। स्टीव की बात मानते हुए एंड्रयू उसके साथ एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, और अपने डर के बावजूद भी वो स्टीव और मेट के साथ उस गड्ढे के अंदर चला गया, जहां उन तीनों की नजर एक अजीब से चमकने वाले पत्थर पर पड़ी। और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ तो उसने अपना रंग बदल लिया, और ऐसा होते ही उन तीनों की नाक से अचानक खून आने लग गया। कुछ हफ्तों बाद वो तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्रयू ने बॉल को अपने दिमाग की शक्ति से हवा में ही रोक लिया। असल में उस रात के बाद से ही उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिलाने की ताकत आ गई थी। उस दिन उन्होंने वापस उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया, पर तब तक पुलिस ने उस गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर प्रैंक्स करने के लिए भी किया, और समय के साथ मेट ये बात समझ गया कि उनकी शक्तियाँ बिल्कुल शरीर की मसल्स की तरह थी और वो अपनी ताकतों को प्रैक्टिस के साथ और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद वो तीनों मस्ती करने के लिए सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहां उन्होंने छुपकर काफी सारे लोगों को परेशान किया, जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए जहां एंड्रयू ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव में भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, और इसीलिए उसने एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। ये देखकर तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज तक की सबसे भारी चीज थी जिसे उन्होंने उठाया था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वो तीनों वापस घर जा रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी उन्हें बार बार पीछे से हॉर्न मारकर परेशान कर रही थी। गुस्सा होकर एंड्रयू ने उस गाड़ी वाले को सबक सिखाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने गाड़ी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो सीधा एक तालाब में जाकर गिर गई। ये देखते ही वो तीनों तुरंत ही उस तालाब की तरफ भागे, जहां स्टीव ने समय रहते उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मेट एंड्रयू से बहुत ज्यादा गुस्सा था, और उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी जिंदा चीज पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्टीव ने एंड्रयू और मेट को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टीव अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ रहा था। ये देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसकी देखा देखी में जब मेट ने हवा में उड़ने की कोशिश की तो वो सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन एंड्रयू बड़ी ही सावधानी से स्टीव की ही तरह उड़ने में कामयाब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद तीनों दोस्त आसमान में उड़ने की कला में पूरी तरह माहिर हो गए, और एक दिन जब वो आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज उनके बहुत करीब से गुजरा, जिस वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। पर तभी एंड्रयू ने सही समय पर समझदारी दिखाते हुए बीच आसमान में ही उसे पकड़ लिया, लेकिन इस सब में वो खुद जमीन पर आकर गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद पूरी दुनिया में उड़कर घूमने का फैसला किया, जिस पर एंड्रयू ने बताया कि वो तिब्बत जाना चाहता है। असल में उसे तिब्बत की शांति काफी ज्यादा पसंद थी, और अपनी शक्तियों की मदद से अब वो उसे महसूस करना चाहता था। स्कूल के बाद मेट किसी काम के बहाने से केसी से मिलने गया, और काम खत्म करने के बाद उसने केसी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन केसी ने कोई जवाब न देते हुए उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उधर एंड्रयू ने स्टीव को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे
शक्तियाँ मिलने से पहले तो वो बिल्कुल ही अकेला रहता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद स्टीव ने उसे आने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने का सुझाव दिया, जिसकी मदद से वो पूरे स्कूल में फेमस हो सकता है। कुछ दिनों बाद टैलेंट शो में स्टीव और एंड्रयू ने अपनी शक्तियों की मदद से कई सारी ट्रिक्स दिखाई, जो कि सभी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई। उसी रात स्टीव और मेट एंड्रयू को एक पार्टी में लेकर गए, जहां सभी लोगों ने उसका काफी अच्छे से स्वागत भी किया। एंड्रयू पहली बार अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा था, और इसीलिए शायद उसे पार्टी में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। पार्टी के बीच में उसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से हुई, और वो दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, जिसके बाद वो दोनों एक कमरे में भी गए, पर ज्यादा नशे में होने की वजह से एंड्रयू ने मोनिका के ऊपर ही उल्टी कर दी, जिसके बाद वो तुरंत ही बाहर चली गई। उधर पार्टी में केसी भी मेट से मिलने के लिए पहुंची, और उसने मेट से अपने घर चलने को कहा, जिसके लिए मेट भी तुरंत ही तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद स्टीव एंड्रयू को ढूंढता हुआ उस कमरे में पहुंचा, जहां एंड्रयू बिना कपड़ों के बैठा हुआ था, और उसे ऐसी हालत में देखकर स्टीव ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन एंड्रयू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक मकड़ी पर कर रहा था कि तभी उसे अपनी माँ के चीखने की आवाज आई, और जब वो उनके कमरे में गया तो पीछे से रिचर्ड ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी नजर एंड्रयू के कैमरा पर पड़ी, जिसके बाद उसने एंड्रयू को बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। पर इस बार एंड्रयू ने भी जवाब में अपनी शक्तियों की मदद से अपने पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके तुरंत बाद वो घर से निकल गया। घर से भागने के बाद एंड्रयू एक तूफान के बीच ही आसमान में जाकर रोने लग गया। उस वक्त मेट केसी के साथ अपने हसीन पल बिता रहा था, पर तभी अचानक से उसकी नाक से खून आने लगा। उधर स्टीव की नाक से भी खून आ रहा था, और इसीलिए वो उड़कर सीधा एंड्रयू के पास आ गया। पर तभी अचानक से स्टीव के ऊपर बिजली गिर गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे स्टीव के अंतिम संस्कार पर आए, जिसके बाद मेट ने सीधा जाकर एंड्रयू से पूछा कि भाई सच में बता कि क्या हुआ था। लेकिन एंड्रयू ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर थोड़ी देर बाद वो वापस स्टीव की कब्र पर आया, और उसकी बात ना मानने के लिए अपने दोस्त से एक आखिरी बार माफी मांगी। अगले दिन जब एंड्रयू स्कूल पहुंचा तो उस पार्टी में हुए हादसे की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर अब एंड्रयू पहले की तरह सुनने वाला नहीं था, और उसने अपनी शक्तियों की मदद से एक लड़के का दांत ही निकाल दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर गए। उसी शाम मेट स्कूल में हुई लड़ाई के लिए एंड्रयू को समझाने के लिए उसके घर गया, पर एंड्रयू उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेट ने एंड्रयू को मुक्का मारने की कोशिश की, पर एंड्रयू ने उसे भी अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसके बाद मेट चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जब एंड्रयू अपनी माँ के लिए दवाई लेने एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सभी दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी थी, और उसके पास दवाई लेने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक वो पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहा, और एक दिन वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने लोगों को लूटने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पिता के फायर फाइटर सूट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने गैंग को लूटा, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे, और इसीलिए वो एक दुकान में गया, जहां अपनी शक्तियों की मदद से उसने सारे पैसे अपने बैग में डाल लिए। पर जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला तो वो दुकानदार उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक निकाल लाया, पर उसके गोली चलाने से पहले ही एंड्रयू ने बंदूक का मुंह एक सिलेंडर की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से उसकी गोली सीधा सिलेंडर में जाकर लगी, जिस वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे के बाद एंड्रयू को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां वो पुलिस की हिरासत में था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे रोते हुए बताया कि उसकी माँ कई दिनों तक उसे ढूंढते ढूंढते मर गई, और रिचर्ड के मुताबिक उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही है। जैसे ही रिचर्ड ने एंड्रयू के ऊपर गुस्सा करना शुरू किया, तभी एंड्रयू को होश आ गया, और उसने गुस्से में हॉस्पिटल की दीवार ही तोड़ दी, जिसमें रिचर्ड को भी काफी चोट आई। उधर मेट उस वक्त एक बर्थडे पार्टी में था, और अचानक ही उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे देखते ही वो समझ गया कि एंड्रयू बहुत ज्यादा गुस्से में है, और साथ ही उसकी नजर हॉस्पिटल में हुए धमाके की न्यूज पर भी पड़ी। मेट तुरंत ही केसी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागा, जहां पहुंचकर उसने देखा कि एंड्रयू ने रिचर्ड को हवा में पकड़ रखा था, और बहुत जल्द वो उसे नीचे गिराने वाला था। मेट ने तुरंत ही हवा में उड़कर सबसे पहले रिचर्ड को बचाया, और उसकी ये शक्ति देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद वो अपने दोस्त को शांत कराने के लिए गया, जिसने उस वक्त तक पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। मेट ने बार बार एंड्रयू को रोकने की कोशिश की, पर वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। आज एंड्रयू पूरी दुनिया से अपनी बुरी जिंदगी का बदला लेना चाहता था। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में तोड़ फोड़ मचा दी। लड़ते लड़ते वो एक जगह पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पर जैसे ही पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई, तो एंड्रयू ने सभी गोलियों को हवा में ही रोक दिया।
उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसकी एक चीख के साथ सभी गाड़ियों और बिल्डिंग्स के शीशे टूटने लगे। मेट जानता था कि अब एंड्रयू को कोई नहीं रोक सकता और इसीलिए उसने मजबूरन पास में मौजूद एक स्टैचू के भाले को अपनी शक्ति की मदद से एंड्रयू की छाती के आर पार कर दिया, जिसके बाद 2 मिनट के लिए तो हर तरफ शांति छा गई। और जैसे ही पुलिस मेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो खड़ा होकर वहां से उड़कर भाग गया। कुछ समय बाद मेट बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ तिब्बत पहुंचा, जहां एंड्रयू हमेशा से आना चाहता था। इसके बाद उसने एंड्रयू का कैमरा वहां लगाकर एंड्रयू से सभी चीजों के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करने का वादा किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।